गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम अपने 6 चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आज हम एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत करेंगे और हम आज बात करेंगे हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं लेकिन हम यहाँ पर सूती वस्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉटन, जूट, सिल्क और वुलन टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिएबल ऑयल एक्सट्राज इंडस्ट्री आज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर ऑन रॉ मटेरियल। मुझे कोई आवश्यकता नहीं बताने कि आपको सभी को बता, हम आप ऊपर की ओर बात कर चुके हैं कौन सी रॉ मटेरियल बेस होती है। हम सीधे चलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। 14% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, 35 मिलियन पर्संस डायरेक्टली, द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर द एग्रीकल्चर। देखो हमारे लिए क्या सूती वस्त्र जो उद्योग की बात यदि हम बात करते हैं, या फिर हमारा वो जो सूती नियम सिंपल वस्त्र उद्योग की बात करते हैं शुरुआत में, तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, जो 14% का हिस्सा हमारे यहाँ पर रहता है। और जब हम बात करते हैं रोज़गार की, तो 35 मिलियन लोगों को क्या करती है, ये सीधे तौर पर क्या करती है, रोज़गार देती है। और दूसरे नंबर पर आती है एग्रीकल्चर के बाद यदि रोज़गार के मामले में बात करें हम। एंड फॉरन एक्सचेंज अर्निंग अबाउट 24.6%, और जो विदेशों से जो FDI होती है वो 24.6% ये अर्निंग करती है, विदेशों से पैसा कमाती है। इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड GDP, और हमारी जो GDP है टोटल उसका 4% रहता है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कम्प्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाइएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। उसके बाद यदि हम बात करें हमारे भारत के अंदर, हमने बात की 4% का जो हिस्सा रखती है, लेकिन इसके साथ ही अकेला उद्योग है जो हमारे कच्चे माल से लेके जो हमारा उच्चतम जो अतिरिक्त मूल्य उत्पाद होता है वहाँ तक की श्रृंखला में अपने आप में परिपूर्ण है, आत्मनिर्भर है। यानी कि दूसरे अन्य प्रकार के किसी भी जो है उद्योगों के ऊपर ही डिपेंड नहीं, सारा का सारा जो है शुरुआत से लेके अंतिम प्रोडक्ट तक क्या है वो खुद के ऊपर डिपेंड रहती है। तो अब जो हम बात करते हैं हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे हम। इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। आफ्टर दैट 18th century द पोवर लूम्स केम इन टू द यूज। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड ए सेटबैक्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। यदि हम बात करें भारत के अंदर प्राचीन समय के अंदर क्या था, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो क्या हाथ से स्पिनिंग का कार्य करती थी। इसके बाद क्या है कि कुछ हथकरघे से बात हमने की भाई हाथ से बनाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट हुई उसके बाद क्या है इसका जो स्थान है 18वीं शताब्दी के बाद पावर लूम्स ने ले लिया। और सबसे लास्ट में फिर जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होती गई और ये जो प्रोडक्शन है वो मिल सेक्टर के अंदर होता चला गया, और बाहर ये जो कपड़ा उद्योग था ये इंग्लैंड की जो मिल सेक्टर से प्रतिद्वंदता नहीं कर पाया, कंपटीशन नहीं कर पाया, और काफ़ी सारा डिक्लाइन हो गया था। हमने 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। आपको सभी को पता है कि एक तो हम हैंडलूम इसको जो बनाते हैं यानी कि एक हैंड से बना जाता है, एक पावर लूम बोला जाता है, और एक मिल सेक्टर जो प्रोडक्शन किया जाता है वो तीन तरीके से किया जाता है, हैंडलूम, पावर लूम और हमारा तीसरे नंबर पर आता है मिल सेक्टर होता है। उसके बाद यदि हम बात करें एज ऑन 30 नवंबर 2011 देर वाज 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स इन द कंट्री। अबाउट 80% of these are private sector and the rest in the public and cooperative society. Apart from these there are several thousand small factories with 4 to 10 looms. यदि हम बात करें 1600 से आसपास सूती और कृत्रिम रेशे की कपड़ा हमारे देश के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। 2011 का हमारे पास आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है, सॉरी 11 का आंकड़ा है, 1940 की बात करेंगे हम। और 80% है जो हमारा प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं, और बाकी क्या है सारी की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव के अंदर आती है, सेक्टर के अंदर आती है। और बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं हम कह सकते हैं इसमें कई हज़ार जो है छोटे छोटे हथकरघों से लेकर मिल सेक्टर का हम बात कर सकते हैं बहुत, जिसमें क्या है कि भी इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सेवल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज हैं जिसमें क्या 4 से लेकर 10 हथकरघे आपको वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोविंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर मोस्ट क्लाइमेट टेक्सटाइल्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द लोकलाइजेशन। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड ए लिविंग टू द फार्मर्स। कॉटन बॉल प्लकर एंड वर्कर्स एंगेज इन द जीनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड डिजाइनिंग, पैकिंग, टेलरिंग एंड सीविंग्स। द इंडस्ट्रीज बाई क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज एट केमिकल एंड डाइज, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स।
उसके बाद एक सिंपल सी बात है, यदि हम बात करें शुरुआत की, यदि हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, ये जो वहीं पर लगाई जाती थी जहाँ पर क्या है कपास बहुत अच्छी प्रकार से होती है, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उनके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन कुछ और फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं, खासकर यदि हम बात करें हमारा को रॉ मटेरियल की बात करते हैं, उसके बाद आता है नंबर मार्केट, ट्रांसपोर्ट और ये पोर्ट वगैरह की फैसिलिटी वगैरह है, क्लाइमेट वहाँ पर आर्द्र क्लाइमेट होना चाहिए, तो ये लोकलाइजेशन की स्थिति क्रिएट करते हैं। और हमने बात की थी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, और आज के समय में जैसे जैसे जो समय बीता है तो हमने बात की थी कि जो ज़मीन सस्ती होने की वजह से जो रुझान है आज के समय में गुजरात एरियाज के अंदर ये सबसे ज़्यादा लगना शुरू हो गई है। उसके बाद क्या है कि भी इसका जो संबंध है सीधे तौर पर एग्रीकल्चर से रहता है, क्योंकि एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज रहती है फार्मर्स, इसके बाद कॉटन बॉल्स पलक्कड़ यानी कि उसको निकालने वाले हम कह सकते हैं, उसके बाद चुनने वाले, गांठ बनाने वाले, कताई वाले, रंगाई करने वाले, डिज़ाइन करने वाले, उसके पैकेट बनाने वाले, सिलाई करने वाले, बहुत सारी जो हैं ये देखो सिंपल सी बात है ये सारे के सारे जो लोग लगते हैं और इनको इतनी बड़ी मात्रा में काम मिलता है। और ये क्या करती है, क्रिएटिंग डिमांड सपोर्टर्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज़ और बहुत अन्य प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी ये सहारा देती है, जिस प्रकार से कि पैकिंग वगैरह की बात की थी और इंजीनियर की जैसे इंजीनियरिंग वर्क्स जो होता है जिस प्रकार से जो मशीनें वगैरह की आवश्यकता रहेगी, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो अन्य प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनको में भी बहुत सारा ये सारा आपको देती रहेगी भाई। वाइस पाइनिंग कंट्रीब्यूट द सेंट्रलाइज इन द महाराष्ट्र गुजरात एंड तमिलनाडु, वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज टू प्रोवाइड स्कोप फॉर द इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल एंड डिज़ाइन ऑफ द वीविंग इन कॉटन सिल्क जरी एम्ब्रॉयडरी एक्स्ट्राज। इंडिया हैज़ ए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पाइनिंग बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हायर क्वालिटी आयरन प्रोड्यूस इन द कंट्री, वीविंग इज डन बाई हैंडलूम पावरलूम एंड द मिल सेक्टर। उसके बाद यदि हम बात करें हमारे यहाँ पर जो वीविंग का कार्य होता है, सॉरी स्पिनिंग का जो कार्य होता है वो सेंट्रलाइज है हमारे महाराष्ट्र गुजरात और तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि हम बात करें हमारे यहाँ पर सूती है, रेशम है, या फिर ये जो जरी वगैरह की बात है, कसीरदारी है, ये जो परंपरागत रूप से जो कौशल कार्य किया जाता था, डिज़ाइन जो थे वो क्या है बहुत ही बड़ी मात्रा में विकेंद्रित करती थी, यानी कि बहुत वाइड एरिया के अंदर ये क्या है फैली हुई थी और इसको इकट्ठा किया जाता था। और जो प्राचीन समय था जो ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तो बहुत पसंद किया जाता था ये जो जरी वाले कपड़े हैं, जो ये जो लोकल स्तर का जो है डिज़ाइन वगैरह था तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था अभी। उसके बाद हम आगे की तरफ बात करें तो भारत में जो कताई का जो उत्पादन है वो विश्व तरीके है वर्ल्ड क्लास का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वीविंग की जो सप्लाई है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं कम गुणवत्ता वाले क्या करते हैं हम बुना हुआ कपड़ा हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं उच्च स्तर का जो धागा होता है हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। और हमारे यहाँ पर मैंने जैसे बता दिया था तीन प्रकार से हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन द होम्स एज ए कॉटेज इंडस्ट्रीज़। यदि हम बात करें हाथ से बनी हुई खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों पर बड़े पैमाने पर रोज़गार प्राप्त किया जाता है। और हमारा जो इतिहास से जुड़ा हुआ है इसके बारे में हमारा जो इतिहास रहेगा हमारी हिस्ट्री बुक रहेगी उस हिस्ट्री बुक में भी हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात यदि हम बात करते कुटीर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जैसे मैं आपको कल बता रहा था कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती है कि इसमें जो सारा का सारा कार्य क्या होता है हाथ से किया जाता है, तो वो रोज़गार वहाँ पर वो क्रिएट करके दे रही है। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू द जापान अदर इंपोर्टर्स ऑफ द कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं अपने मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं भेज रहे हैं हमारे कपड़े को हम उस देशों में क्या कर रहे हैं भेज रहे हैं। उसके बाद यदि हम बात करें आपके सामने दिखाया गया है कि भी हमारे यहाँ पर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ पर लोकेट की गई है, और यहाँ पर आपके सामने मैप दिखाया गया है कि कौन से देखने को मिलेंगे कि भी कॉटन टेक्सटाइल कौन सा, वुलन कौन सा, सिल्क आपको देखने को मिलेगा। हम इसको बाद में पढ़ेंगे, इसके जब हम मैप बनाएंगे तब हमें मिलेगी इसके बारे में जानकारी। और उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड विद 43.13 मिलियन स्पिंडल्स आफ्टर चाइना। सिंस द मिड 1880s द स्पिनिंग सेक्टर हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन। उसके बाद यदि हम बात करें जो तकवे होते हैं तंतु हैं जिसके ऊपर हम इनको चलाए जाते हैं, तकली जो बोली जाती है, उसकी अक्षमता के रूप में हम भारत में इसका दूसरा स्थान आता है। खासकर 2011-12 के अनुसार हमारे यहाँ पर 43.13 मिलियन स्पिंडल्स हैं तंतु आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद है चाइना के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। और हमने बात की है कि
मिड 80s 80 के दशक के मध्य तक क्या कि आपको कताई क्षेत्र क्या था उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था भाई। उसके बाद वी हैव ए लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न्स अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। हाउएवर आवर ट्रेड इन द गारमेंट्स इज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। यदि हम बात करें सूती रेशे के विश्व व्यापार में तो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा भागीदारी रहती है। यदि हम बात करें कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारा लगभग 1/4 सा है, लेकिन यहाँ पर तैयार जो वस्त्र होते हैं, जो कंप्लीट जो गारमेंट्स होते हैं बने बनाए हैं, उसमें हमारा हिस्सा मात्र 4% ही आपको देखने को मिलेगा भाई। आवर स्पिनिंग मिल्स आर कम्पिटेटिवली एट द ग्लोबल लेवल्स एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस। द वीविंग नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हायर क्वालिटी यार्न दैट इज द प्रोड्यूस इन द कंट्री। उसके बाद यदि हम बात करें हमारे कताई कारखाने क्या विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं इसका उपभोग करने में भी सक्षम है, लेकिन समस्या हमारे यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि भी जो बुनाई और कताई का जो प्रक्रमण होता है उसके अंदर जो उच्च कोटि के जो धागे का उपयोग हम नहीं कर पा रहे भी। देर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट्स बट मोस्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन इज इन द फ्रेगमेंट्स स्मॉल यूनिट विच कैटर टू द लोकल मार्केट। दिस मिसमैच इज अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्रीज एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ आवर स्पिनिंग एक्सपोर्ट कॉटन यार्न्स व्हाइल अपील गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हैव टू इम्पोर्ट फाइबर्स। उसके बाद यदि हम बात करें इस क्षेत्र के अंदर कुछ ही बड़े और उच्च आधुनिक कारखाने ही आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। अधिकतर क्या है आपको छोटे छोटे जो बिखरी हुई इकाइयाँ हमारे सामने होती हैं और जिसका उत्पादन है वो हम स्थानीय बाज़ार के ऊपर ही कर लेते हैं, यानी कि जो उत्पादन किया जा रहा वो आसपास के क्षेत्रों में ही उस बाज़ार में ही वो आपका बिक जाता है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए हमारे पास बहुत ही कम बचता है। उसके बाद है एक और उद्योग के अंदर सबसे यदि हम कमी की बात करते हैं तो हमारे बहुत से जो कताई करने वाले सूती धागे का जो हम निर्यात करते हैं, जबकि हम क्या करते हैं कि भी जो है कपड़ा है जो निर्माताओं को कपड़ा क्या करना पड़ता है अब वो आपका सीधे तौर पर आयात करना पड़ता है। ऑल्थो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन द नीड टू द इम्पोर्ट टू द स्टील फेल्ट पावर सप्लाईज इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्री एंड मशीनरी नीडेड टू बी अपग्रेडेड टू वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द पर्टिकुलर अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिल कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज। उसके बाद हमारे यहाँ पर ये समस्याएं बताई गई हैं कि भी इस इंडस्ट्रीज की कुछ समस्याएं हैं कि हालांकि हम क्या करते हैं भी ये जो लंबे रेशे वाली कपास उसका उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि भी जो बुनाई का कार्य है वो क्या आपको क्या देखने को मिल रहा है वो बिखरा हुआ है। जो ये प्रक्रियाएं की जा रही हैं वो थोड़ा सा बिखरी हुई सेटअप में की जाती है, फिर छोटे छोटे जो सेक्टर हैं वो मिलों के अंदर छोटी छोटी कारखाने बनाए गए हैं तो वहाँ पर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। कुछ और समस्याएं हैं कि जो पावर हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सबसे भयंकर समस्या और एक मशीनरीज की, यहाँ पर ये माना गया कि बहुत सारी जो मशीनरी हैं जो प्राचीन समय में जब वो इंडस्ट्रीज लगाई गई थी तब से लेकर आज तक वो सेम चलती आ रही हैं, तो ये थोड़ी सी समस्या है हमारे यहाँ पर। और जो हम आउटपुट की बात करते हैं कि एक लेबर के हिस्से में कितना वर्क आ रहा है वो भी काफ़ी कम हमारे देश में हमें देखने को मिल रहा है, तो ये समस्या है हमारी इंडस्ट्रीज़ की भी। बस भाई आज हमारे लिए हम कॉटन के बारे में ही पढ़ेंगे, आगे हम जूट टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे।